नमस्कार, मैं हूं शिखा सराय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। कल केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल का दाम बहुत कम कर दिया है। पेट्रोल का दाम 9 रुपये तो वही डीजल का दाम 7 रुपये। वैसे गैस सिलेंडर का भी दाम 200 रुपये कम किया है, लेकिन जनता पे क्या इसकी राय है, कैसे राहत पड़ेगी? वैसे आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल शतक मार रहे थे, बहुत भारी पड़ रहा था और विपक्षी भी लगातार हमला बोल रहे थे कि एक्साइज ड्यूटी घट नहीं रहा है, इस वजह से लगातार पेट्रोल में दाम बढ़ रहा है। अगर मोदी जी को अगर इतनी फिक्र है जनता की तो पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम क्यों नहीं करते? हेमंत सोरेन लगातार हमला कर रही थी केंद्र सरकार पर कि एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। अब चूँकि एक्साइज ड्यूटी घट चुका है तो जनता कितनी खुश है, जनता क्या समझती है और आने वाले इलेक्शन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये एक स्ट्रैटेजी है, क्या है, हम जानेंगे जनता से। यहाँ पे एक जनता है हमारे साथ जो पेट्रोल भराने आए। एक बात बताइए, कल मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने पेट्रोल का दाम 9 रुपये और डीजल का दाम 7 रुपये कम कर दिया, क्या रहा आपको लगता है जेब में थोड़ा भारी अब थोड़ा कम होगा? नहीं नहीं, केंद्र सरकार देखिए, नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन वाला लड़ाई के चलते देश का अर्थव्यवस्था भी थोड़ा गड़बड़ाया था और तेल का लगातार वहाँ कटौती, जो आपका वहाँ तेल आता है उसमें एक तरह की किल्लत हो रही थी, उसके चलते रेट भागा। लेकिन मोदी जी ने कम से कम 2 बार इस तेल का रेट को कम करना, वैट कम करके यहाँ के जनता को राहत देने का काम किया। लेकिन हमें बड़ा अफसोस होता है कि हमारे झारखंड के सरकार, माने जनता के प्रति उनका कोई दायित्व तो बनता है कि नहीं बनता? अगले बार भी कम किया गया रेट तो उनसे बोला गया सभी राज्य को कि आप वैट करके, वैट कम करके और जनता को राहत दें। और आप देखेंगे कि हर प्रदेश ने अपना कुछ ना कुछ 5 रुपया 10 रुपया घटाया, केंद्र सरकार 10 घटाया तो राज्य सरकार ही 5 या 7 या 10। अभी तक राज्य सरकार, हाँ, लेकिन राज्य सरकार ने घटाई नहीं, राज्य सरकार ने एक बुड़वक बनाया जनता को, जनता को बुड़वक बनाया कि हम 25 रुपया पेट्रोल में कम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को मिल रहा क्या? पूछिए 30 रुपये। तो राज्य सरकार ने यहाँ की जनता को बुड़वक बनाया। अभी भी मोदी जी ने गम किया है, आप अभी भी है, आप बैठ के कम कीजिए और डालते हैं कुछ कम कर दीजिए। मोदी जी ने 9.5 रुपया कम किया, आप 5 रुपया कम कर दीजिए, जनता को बहुत राहत मिलेगी। तो राज्य सरकार अपना दायित्व से एकदम पीछे हट रही है। बार बार जो बार बार अटैक करती है, एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाया जाता, एक्साइज ड्यूटी नहीं, केंद्र सरकार के, अब तो उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। नहीं, उनके लिए कुछ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन इनका अपना दायित्व बनता है कि नहीं कि हम अपने राज्य की जनता को लेकर हम भी कुछ राहत दें? आप खुश हैं हेमंत सोरेन सरकार से? हेमंत सोरेन सरकार से कोई जनता खुश है? कोई जनता नहीं खुश है उनसे। आप देखेंगे लगातार वो जब से सरकार बनी है लूट में ही व्यस्त है, वो खनन हो, बालू हो, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, किसी तरह में बस वो लूट में ही। अच्छा, गैस में भी 200 कम हुआ है। देखिए, हम तो मोदी जी को धन्यवाद करेंगे कि कुछ तो राहत दिए इस महंगाई में, जो अभी स्थिति अनुसार महंगाई जो बढ़ी हुई है। लेकिन विपक्षी का कहना है स्ट्रैटेजी है ये, ऐसा देखिए नहीं, चोर के दाढ़ी में तिनका। अब ये लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं, खाली थेतर जैसा अपना बयान दे रहे हैं। आप देखेंगे जब से हेमंत सोरेन सरकार बनी है, हमेशा आप बोलेंगे, वो हमेशा कोई विकास का काम बात कीजिए, बोलेंगे खजाना खाली है। 3 बार गाड़ी चेंज कर लिए हैं ऐसे मुख्यमंत्री को, 2.5 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर 3-3 गाड़ी आई, एक से एक गाड़ी। यार गाड़ी में, आप कोई भी गाड़ी, गाड़ी में चलना है तो खुद मोदी सरकार को सूट पूछ के सरकार कहते हैं। नहीं तो वही बोले कि ये ऐसी चोर सरकार बनी है कि सिर्फ लूट ही रही है, लगातार लूट रही है और जनता त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन जनता को कहीं कोई राहत नहीं दे रही है हेमंत सरकार। तो आपने देखा कि जनता को अभी तक कोई राहत नहीं है। हम और भी अपने दर्शकों से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए, पेट्रोल का दाम 9 रुपये कम हो चुका है और डीजल का क्या राहत है इससे, अगर खुल सकते तो? राहत कुछ भी नहीं है, एक तरफ पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर का दाम भी बढ़ा दिया। हाँ, एक तरफ घटा रहे हैं, एक तरफ बढ़ा रहे हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि स्ट्रैटेजी है ये, सिर्फ नाटक है? हाँ, आप खुश नहीं है इससे? हम नहीं खुश, लेकिन कुछ तो राहत मिलेगा ना, 9-10 रुपये अगर कम है तो कुछ तो पॉजिटिव साइन। हाँ, इधर से घटाने के बराबर हो जाएगा, इधर से घटाए उधर बढ़ा दिए। लेकिन आपको नहीं लगता वहाँ पे घटा है तो राज्य सरकार को भी घटाना चाहिए? हाँ, घटाना चाहिए था, 2 बार घटा चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ये नहीं घटाए। ओके, और इसके साथ ही राज्य सरकार से खुश है इनके रवैये से? राज्य सरकार का रवैया ठीक नहीं है। नहीं है ठीक है, ये तो पूरा है, बिल्कुल भी नाखुश नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे सिर्फ स्ट्रैटेजी है, ये नौटंकी है। हम आगे और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो खुश है कि नहीं। अभी 9 रुपये पेट्रोल का दाम जो है वो कम हो चुका है और डीजल का भी, इससे आपके जेब में क्या फ़र्क पड़ेगा और खुश है या नहीं? कहने का मतलब जो भी है वो तो हम लोग को ये करना ही पड़ेगा और चलना ही पड़ेगा उस हिसाब से, लेकिन अब कहने का मतलब हम लोग को इस चीज़ों से, छोटे मोटे चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, लेकिन आपको लगता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपना काम कर लिए, राज्य सरकार को भी अपना काम करना चाहिए? हाँ, करना तो चाहिए, और कम करना चाहिए, और कम करना चाहिए। सरकार से क्या उम्मीद आपको लग रहा है? मिनिमम इनका मैक्सिमम होना चाहिए तो 70 से 80 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा बजट बाहर। लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन सरकार ऐसा कुछ कम की नहीं है? नहीं। तो आगे आप क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से?
राज्य सरकार? सरकार से तो बोलना चाहूँगा बस इतना ही कि अगर वो चाहे तो मतलब इतना भी ज़्यादा रेट नहीं है कि इतना ज़्यादा बढ़ना चाहिए, पर ये जो है थोड़ा सा गलत हो रहा है। ठीक है, रेट तो नहीं घटा रही, हेमंत सोरेन जो है अपने लिए ऑडी और मर्सिडीज 2.5 साल में 3 गाड़ियाँ बदल चुके, उसके लिए पैसा है? हाँ, ये बिल्कुल है, ये चीज़ तो है, गलत हो रहा है ये चीज़ तो। एक बात बताइए, अगर ऐसा रवैया रहा तो अगले इलेक्शन में जमानत जब्त हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप खुश? ये तो नहीं, ये इसी से तो खैर हम बिल्कुल खुश नहीं हैं, और जैसा दिख रहा है तो लग ही रहा है कि आने वाले समय में तो इनका जमानत जब्त ही है ऐसा लग रहा है। तो आपने देखा कि जमानत जब्त हो सकती है हेमंत सोरेन सरकार की, वैसे हेमंत सोरेन सरकार हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट पे ताना मारते रहती है, कोई एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करती है, केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं अपने काम को पूरा किया है, अब बारी है राज्य सरकार की कि वो थोड़ा दाम घटाकर जनता के जेब पर थोड़ा रहम करते हैं नहीं, या फिर मर्सिडीज के पास ऑडी और बैक टू बैक अपनी गाड़ियां बदलने में ही व्यस्त रखते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।